नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिए कैसे करेंगे, ठीक है ना। सवाल देखिए क्या है, कह रहा है बिंदु ए 2-2 और बी 7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो सम त्रिभाजित करते हैं यानी कि 3 बराबर बार भागों में बांटती है, उनके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो समय के अभाव में जो हम इसको जो पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ देख लीजिए आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए हमने जो है प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लीजिए। मान लीजिए कि जो है कैसे करेंगे इसको, आप लोग को देख लेना है केवल, ठीक है ना। देख लीजिए, मान लीजिए कि ए बी एक रेखाखंड है जो पी तथा क्यू बिंदुओं पर जो सम त्रिभाजित करती है। मान ए बी एक रेखाखंड है और इसको जो हमने पी बिंदु लेकर और क्यू बिंदु दो बिंदु लेंगे तभी ना इस बराबर बराबर भागों में बटेगा। तो 3 बराबर बराबर भागों में बट गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पी बिंदु को देखा जाए तो इधर से 1 नंबर पर है और इधर से 2 नंबर पर है। तो यानी कि कितने भागों में किस अनुपात में है पी, तो 1:2 अनुपात में है, ठीक है ना। अब देखिए, क्यू को देखा जाए तो इधर से 2 नंबर पर है और इधर से 1 नंबर पर है, तो 1:1 में है, तो 2:1 के अनुपात में होगा ना, ठीक है। ये 2:1 के अनुपात में होगा, ठीक है ना। बस इसको करने का यही तरीका है, बस इतना ही जानिए आप लोग, ठीक है ना। ये जो है 3रा नंबर पे है तो 3:1, अगर ये जो है 4था नंबर पे रहता तो इधर से 4 नंबर पे रहता तो 4, इधर से 1 नंबर पे रहता तो 4:1 होता, ठीक है। इधर से 5 मतलब 5 बराबर भागों में बांटा रहता तो इधर से 5 नंबर पे रहता 5, इधर से 1 तो 5:1 के अनुपात में होता, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है ना, अनुपात ऐसे ही निकालेंगे इसका। तो ये 1:2 अनुपात होगा पी, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु पी ए क्यू को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना, विभाजित करता है। तो रेखाखंड के अद्वितीय अंतर विभाजन सूत्र से जो है इसको सॉल्व करेंगे। अंतर विभाजन का सूत्र क्या है रेखाखंड का, तो देख लीजिए, अंतर विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 - m2, ठीक है। और m1 y के लिए मैंने x का निर्देशांक निकालना थे, अब y का निर्देशांक निकालना है, तो ये m1 भाई इसमें x1 और y1 होगा ना, इसके दो निर्देशांक आएंगे ना। तो x निकालना हो तो m1 x2 / m2 x1 / m2 m1 y2 / m2 y1 / m2 m1 m2 हो जाता है, ठीक है ना, y के लिए, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, और जो है यहाँ जो है हमने जो है मान लिया है कि x1 ये है, y1 ये है, और x2 ये है और y2 ये है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें मान रख देंगे इस सूत्र से इसमें, ठीक है। तो m1 का मान 1 होगा, ठीक है, x2 का मान जो है -7 होगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ रख दिया, प्लस में जो है 2 × 2 यानी कि m2 का मान 2 होगा, m2 का मान 2 होगा, x1 का मान 2 होगा, ठीक है। तो 2×2 कर दिया, m1 / m2 तो m1 / m2 का मतलब 1 / 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए m1 y2, तो m1 का मान देखिए 1 है, y2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ y2 का मान 4 है, तो यहाँ 1×4 प्लस में जो है 2×-2 हो जाएगा, कैसे, तो m2 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान जो है देखिए y1 का मान -2 है, तो -2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7×1 तो कितना हो जाएगा, -7 / 2×4 तो 4 हो गया, बटे 1×2 = 3, ठीक है। अब 4 - 4 कैसे, तो 1×4 = 4 होगा, 2×2 = 2, या प्लस है या माइनस है, प्लस में गुणा होगा तो माइनस में होगा 4, ठीक है, अब 3, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 3, अब माइनस वाला अधिक है, प्लस माइनस में है तो घटेगा, माइनस वाला अधिक है तो चिन्ह माइनस कराएगा, 3/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में 4 = 0, 0/3 हो जाएगा, होगा। तो इसको लिख सकते हैं -1, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो -1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्यू ए बी को जो है आंतरिक रूप से 2:1 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो अब जो है क्यू का निर्देशांक यानी कि क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो वही उपरोक्त सूत्र लगा देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे, m1 x2, तो m1 x2 का मतलब अब इसमें जो है m1 x2 लगाएंगे तो वही रहेगा m1 x2, ठीक है ना। m1 का मान यहाँ बदल जाएगा, m2 का मान बदल जाएगा, ठीक, बाकी जो है सब ये बिंदु तो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए m1 का मान कितना हो जाएगा, 2, और x2 का मान जो हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ जो है m1 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे m1 का मान 2 हो गया, x2 का मान जो है -7 हो जाएगा, ठीक है ना,
एक्स टू का मान माइनस सात में है तो माइनस सात में रख देंगे, या प्लस में, एक गुणे दो का मतलब एम वन एम टू का मान जो है एक हो जाएगा, एक्स वन का मान जो है दो है, एक्स वन का मान दो है तो दो रख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से जो है अब दो गुणे चार कर देंगे, यहाँ एक गुणे माइनस दो कर देंगे, मान रख देंगे, ठीक है ना भाई। एम वन का मान अब जो दो हो गया तो दो रख देंगे, एक्स वन तो एक्स वन का मान चार है, एक्स वन का मान जो है कितना हो जाएगा, वाई टू, वाई टू हो जाएगा ना, एम एम वन वाई टू, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा एम टू एक्स वाई वन, यहाँ टू रहेगा तो वाई वन हो जाएगा, तो फोर वाई टू का मान फोर है तो यहाँ फोर रख देंगे, ठीक है ना, मान रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस सात माइनस में सात गुणा दो तो माइनस चौदह हो जाएगा, प्लस में एक गुणा दो तो दो ये होगा, ठीक है ना, आई हो जाएगा दो एक तीन तो तीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चार दूना आठ माइनस में जो है दो हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चार चौदह में से दो जहाँ बारह माइनस में बट तीन, तो जो है तीन से काट देंगे तो चार जाए बारह माइनस में चार हो जाएगा एक्स वाला, ठीक है। छः तीन दूना छः दो हो जाएगा वाई वाला, ठीक है ना, आठ में से दो घटाएंगे तो छः होगा, छः बट तीन हो जाएगा, तीन से दो दो, तो यानी कि इसका संख्या हो गया चार और दो, माइनस में चार और दो, तो इस प्रकार हम लिख सकते हो तो माइनस वन जीरो तथा माइनस चार दो बिंदु पी तथा क्यू के निर्देशांक, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ना कमेंट लिखना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।